नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जहां गुजरात में बारिश होने के बावजूद गुजरात के हर एक शहरों में बाढ़ आ रही है और काफी जगहों पर लोगों को बाढ़ में बह जाने वाले वीडियोज भी सामने आ रहे हैं। ऐसी घटना एक द्वारका के आहिर सिंहड़ गांव से लाखासर बीच रास्ते में कोड़ावे पर बाढ़ में दो लोगों को बहने की वीडियो सामने आए हैं। सड़क पार करते समय एक बच्चा और उसके पिता पानी में फंस गए। जहां स्थानीय लोगों को घटना के बारे में पता चला और उन दो लोगों को आदमियों ने बचाया। वही अगली खबर गुजरात से है, जहां स्लोवाकिया गणराज्य की मानोनीत भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सौजन्य मुलाकात की। अपूर्वा श्रीवास्तव ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से सौजन्य मुलाकात के बाद अपूर्वा यूरोपीय महाद्वीप के देश स्लोवाक गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारत और स्लोवाकिया और उसके बाद द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के प्रयासों के लिए श्रीमती अपूर्वा श्रीवास्तव को शुभकामनाएं दी। लिखा तो वही है श्रीवास्तव। वही अगली खबर अमेठी से है, जहां सरकार से रुपए मिलने का झांसा देकर जालसाजों ने दर्जनों ग्रामीणों के कागज से बाइक का फाइनेंस करवा लिया। वही लोन रिकवरी कर्मचारी जब रिकवरी के लिए ग्रामीणों के पास पहुंचे तो ग्रामीणों ने पैरों तले जमीन खिसक गई। वही अब ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। वही जिस एजेंसी से बाइक खरीदी गई है वो एजेंसी संचालक भी फरार बताया जा रहा है। नाम है आपका? रामराज नाम है साहब। ये बताइए कि आप सब लोग यहाँ थाने आए हैं, क्या समस्या है आपकी? साहब हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। एक्चुअली ऐसा है, हम चार पांच लोग दुकान पे बैठे हुए थे, हम चाउमीन बर्गर के बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, जिस कारण चार पांच लोग बैठे थे। हमें पैसों की सख्त जरूरत थी, बीमार भी रहता हूँ तो 2-4 हजार की जरूरत थी, जिस कारण मैं आपस में बात कर रहा था कि हमें ब्याज पे कहीं पैसा मिले तो 10-15 दिन के लिए किसी से दिलवा दो भाई, हम बाद में कमा के दे देंगे। वही अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू में छात्रों की गुंडाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में समुदाय विशेष के छात्रों ने सुलेमान हॉस्टल में ले जाकर एक हिंदू युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं युवक के साथ बेल्टों से मारपीट करने वाले छात्र का नाम जैद मोहम्मद बताया जा रहा है। मारपीट के दौरान वायरल वीडियो में छात्र नेता फरहान जुबेरी भी बैठा हुआ नजर आ रहा है। वहीं इतना ही नहीं, हिंदू युवक के समुदाय विशेष के छात्रों ने जूतों के नाक पर उसकी वायरल वीडियो पे नाक रगड़ी। वहीं एक महीने पुराना ये वीडियो पूरा बताया जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। छात्र के साथ मारपीट हो रही है, वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या है पूरा घटनाक्रम? प्राइवेट इसी पुलिस की जांच में क्या है? अब इस वीडियो के बारे में जांच की जा रही है। जो घटनाक्रम की जानकारी हुई है ये हुई है कि आकाश और राहुल उर्फ फरमान के मध्य कोई होटल को लेके कोई विवाद हुआ था, जिसकी सूचना 22 जून को क्वारसी पुलिस को दी गई थी। वही अगली खबर संभल से बताया जा रहा है, जहां जिले के सदर कोतवाली इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। यहां बच्चों के साथ सो रही महिला के ऊपर भरभराकर मकान पूरी की पूरी गिर गई, जिसमें महिला सहित 6 बच्चे दब गए हैं। मकान के मलबे में 7 लोगों के दबने की सूचना से हड़कंप मच गया है। वहीं आनन फानन में ग्रामीणों ने दौड़कर किसी तरह से मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी पहुंच गई। सभी घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही एक बच्चे की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। कहाँ रहते हैं आप? मंडी के संदासराय। क्या हादसा हुआ है आज? हादसा सुबह 5 बजे छत गिर गई, 7 लोग दब गए छत के नीचे। कौन है आपके? ये हमारे भतीजे भतीजा हैं और भतीजे थे। कितने बच्चे हैं इसमें? इसमें बच्चे दबे हैं, 6 बच्चे दबे हैं और एक माँ की।
वहीं अगली खबर गुजरात से है, जहां द्वारका में 96 आसामियों को दबान हटाने के लिए नोटिस भेजा गया है। वहीं नोटिस दिए हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मंदिर के आसपास के इलाकों में सड़कें छोटी हो गई हैं और ठेले बेचने वाली रेड़कियों पर दबाव बढ़ गया है। वहीं ओटला और अन्य सड़कों पर दबाव हटाने के लिए 96 आसामियों को 10 दिन का समय दिया गया है। वही अगली खबर पीलीभीत से है, जहां जनपद में महिला अधिवक्ताओं ने जजी परिसर में पीठासीन अधिकारी के खिलाफ क्रमिक धरना शुरू कर दिया। वही एक महिला अधिवक्ता का विवाह शाहजहांपुर जिले के एक अधिवक्ता के साथ हुआ है। बताया जा रहा है कि विवाह के बाद दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद महिला अधिवक्ता ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और आरोपी पति शर्तों के साथ जमानत पर रिहा हो गया है। क्या मामला है? यहाँ पीलीभीत के अधिवक्ता है पद्मा रावत, एडवोकेट, करीब 11-12 साल से प्रैक्टिस कर रही है। उसके हस्बैंड से अपने डिस्प्यूट थे, वो शाहजहांपुर में उसने कैंसिलेशन का मुकदमा किया हुआ था। तो पिछले अभी मई में जब वो गई थी वहाँ पे, तो वहाँ उसका हस्बैंड क्योंकि वकील भी है, तो उसने वहाँ कोर्ट से बाहर डेट मिलने के बाद में कोर्ट से बाहर से घसीटता हुआ ले जाकर उसने सीट पर ले जाकर उसको बुरी तरीके से मारपीट की और उसको पटक पटक के मारा। वहाँ पे सारे अधिवक्ता वहाँ देखते रहे, किसी ने कोई सुरक्षा नहीं दी उसको, ना ही उसको बचाया। वही अगली खबर गोरखपुर से है, जहां एक तरफ सरकार द्वारा आम लोगों को राशन वितरण प्रणाली के तहत तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राशन वितरण प्रणाली में कोई धांधली ना हो इसके लिए सरकार द्वारा सभी कोटेदारों को मशीन भी मुहैया कराई गई है, जिसमें राशन कार्ड धारक अंगूठा लगाकर अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं गोदामों पर भी कोटेदारों को लगे अंगूठे के हिसाब से राशन दी जाती है। इस योजना से अब धांधली पर काफी हद तक का अंकुश लग गया है, लेकिन अभी भी कुछ कोटेदार ऐसे हैं जो लोगों को ठगने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। ये बताइए, यहाँ पे ग्रामीण आए हुए हैं, कहाँ के हैं, क्या मामला है? ये सिक्टोर के लोग हैं और कौशल्या देवी राशन कोटेदार है, उससे त्रस्त हो गए हैं। उनका इन सभी लोगों का ये कहना है कि वो हम लोगों को पर्ची एक एक हफ्ते 10-10 दिन 15-15 दिन की पर्ची देती थी, तमाम लोगों से, बहुत से लोगों से पर्ची भी गायब हो जाती है। जो लोग पर्ची लेके भी पहुंचते हैं तो उस पर वो क्या करती है, इतना दौड़ा देती है कि लोग मना कर दें, और ज़रा सा लोग परेशान जब हो के शिकायत करने की बात करते हैं तो उसका कहना रहता है कि जाओ जहाँ भी शिकायत करना है कर लो, हम लोग सप्लाई विभाग में और ऊपर में हर जगह हम लोग पैसा बांटते हैं। वही अगली खबर हरिद्वार से है, जहां इन दिनों बरसात पहाड़ी क्षेत्रों में भारी तबाही मचा रही है, जिसके चलते विकास नगर के लगते जौनसार बावर क्षेत्र में भी जगह जगह नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही कुछ देर रात हुई बरसात के कारण कालसी तहसील अंतर्गत हरिपुर कोटी मीनस मार्ग पर स्थित कोरवा गांव में देखने को मिला है, जहां देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण लैंड स्लाइड का मामला सामने आया है। वही मलबा में एक दुकान भी दब गया है, तो वही अचानक आया ये मलबा अपने साथ गांव के एक परिवार का सामान और पशु भी बहा ले गया है। मुझे सुबह इन्फॉर्मेशन मिला था अपने फोन के माध्यम से, तो मेजरी क्षेत्र में ही था, तो फिर मैं सुबह घर से अपने वाहन के आ गया था, यहाँ पहुँच गया था, तो देखा मैंने कि ये सारा स्लाइड होकर के नीचे को आया है और यहाँ पे पूरण सिंह जी का ये मकान है और एक छानी भी है जिसमें उनके पशु बंधे हुए थे। खुद तो हमने पहले अलर्ट किया था तो यहाँ नहीं था, अन्यथा कुछ भी घटना घट सकती थी। वही अगली खबर हरिद्वार से है, जहाँ अवैध कच्ची शराब पर लगातार आबकारी विभाग हरिद्वार की टीम छापेमारी कर रही है। हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा लगातार ही अवैध कच्ची शराब बनाने वालों पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर के दिशा निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम लगातार कच्ची शराब पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं कच्ची शराब को बनाने वाले लहान को भी नष्ट किया जा रहा है। हो रही लगातार छापेमारी के दौरान आज ग्राम सहदेवपुर थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार में 40 लीटर कच्ची शराब और 3000 लीटर लहान नष्ट किया गया, जिसमें आबकारी विभाग की टीम लहान नष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही अगली खबर गोरखपुर से है, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम को प्रथम स्थान दिलाने के लिए उद्देश्य शासन के निर्देश पर नगर निगम के 80 वार्डों में नगर सफाई अभियान और स्वच्छता रैली निकाली जा रही है। वही आज इसी क्रम में माया बाजार वार्ड में स्थित इमामबाड़ा एस्टेट से नगर सफाई महाअभियान को पूर्व MLC विनोद पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
अमन व भाईचार का संदेश देने वाला इमामबाड़ा एस्टेट से स्वच्छता जागरूकता का भी संदेश देने के लिए उद्देश्य से पार्षद समद गुफरान और साजू ने ये महाअभियान की रैली की शुरुआत की है। नहीं, हम लोग जाएंगे मोहल्लों में। पूज्य महाराज जी की योजना ये है कि हम इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब स्मार्ट सिटी की पहली शर्त यह है कि इस शहर को स्वच्छ होना चाहिए। तो हम उस अभियान में, ये कार्यक्रम नगर निगम का है, हम लोग तो कार्यकर्ता होने के नाते, चूंकि सरकार भी हमारी, नगर निगम भी हमारा है, तो जनता से आग्रह करने निकले हैं कि आप लोग पूरा सहयोग करेंगे तभी शहर स्वच्छ हो सकता है। वही अगली खबर हरिद्वार से है, जहां गुरुवार को मेला कंट्रोल टावर में जिला योजना की बैठक आयोजित की गई। वही हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में ये आयोजित किया गया, जहां शुरुआत विधायकों के हंगामे के साथ हुई। बैठक में विधायकों ने अपने प्रस्तावों को शामिल ना किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, तो वही बैठक में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को शामिल करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 62,48,00,000 का बजट पारित किया गया। किस तरह के प्रस्ताव है? जिला योजना की बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 का परिव्यय 62,34,48,000 जो हमने यहां पर अभी समय स्वीकृत किया है। पिछले साल जो है, पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो परिव्यय था वो 49,42,00,000 था, तो इस समय हमने जो है 26.15% जो है बढ़ाया है। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां फैक्ट्री में बॉयलर फटने से तेज धमाका हुआ। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत भी हो गई, जबकि 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ से उसे मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। केमिकल की फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में अभी सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम को कि बॉयलर फट गया है। इसके बाद में तुरंत जो है वो SDM सदर और CO मंडी और बाकी थाना पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची है, यहाँ पे स्थिति को कंट्रोल किया है। और फिलहाल जो है वो ये स्थिति है कि यहाँ पे जो 5-6 लोग काम कर रहे थे, उनमें से 3 लोग यहाँ पे घायल हुए थे, 2 लोग जो सभी को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, उनमें से अभी ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, बाकी जो अन्य घायल है उनको हायर उपचार के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से बताया जा रहा है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में पहुंचकर 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और जोधपुर के तीवरी में एक केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ 5 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन और 7 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास करेंगे। वही आज राजस्थान को करीब 3600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की देंगे सौगात। वही इसी कार्यक्रम को देखते हुए आज IPL शुगर मिल की तरफ से एक बैठक हॉल में हुए। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के किसानों को देश के प्रधानमंत्री ने सौगात सुनाई। अगली खबर बांदा से आ रही है, जहां बिजली की समस्या को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन देकर खुलवाया पूरा का पूरा जाम, जिसके बाद बिजली आपूर्ति ना होने से सूख रहे किसानों की धान का ये पूरा मामला सामने आया है। मेरा नाम राम केश कुशवाहा। कौन सा गांव है? सहेवा। अभी जाम लगाए थे, किस समस्या को लेकर जाम लगाया था? बिजली की समस्या के लिए जाम लगाया गया, आज तक 15 दिन से होगा, आज तक कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। जिले में भी एप्लीकेशन दी गई, वहां भी कोई सुनाई नहीं हुई। यहां तक कि इस लाइन से कभी हथौड़ा लाइन से जोड़ते हैं, कभी जारी फीटर से जोड़ते हैं, कभी वो काटते हैं तो कभी वो काटते हैं। वही अगली खबर फारुखाबाद से है, जहां विशेष समुदाय के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने कांवड़ यात्रा निकाली। वही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ यात्रा निकालकर हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा जमुना तहजीब दिखाई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ में गंगा जल भरकर पैदल यात्रा निकालते हुए पांडेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समान नागरिकता कानून को लेकर कांवड़ यात्रा निकाली। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि शरीयत के कानून से उनका शोषण होता है।
एक कांवर आप लोग लेके जा रहे हैं, क्या कारण है इसका, क्या उद्देश्य देना चाहेंगे आप? हमने पिछले साल जब कांवर उठाई थी तो हमने ये प्रतिज्ञा की थी मैं अखंड भारत के लिए कांवर उठाऊंगा, तो मैंने अखंड भारत के लिए फरखाबाद से लेकर हरिद्वार तक कांवर उठाई थी। आप इस साल हम ये नई प्रतिज्ञा लिया हमने, इस साल हम समान नागरिकता कानून के लिए कांवर उठा रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि समान नागरिकता कानून लागू होना चाहिए, ये कानून हमारे देश में लागू होना चाहिए। वही अगली खबर बाराबंकी से है, जहां जैतपुर के याकूतगंज गांव के विद्यालय में शासन के निर्देशानुसार थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के तहत दरोगा उमेश यादव और कन्हैया यादव योगेंद्र यादव के साथ महिला पुलिसकर्मी अनामिका तिवारी प्रयास सिंह द्वारा गांव की महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के तहत विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित की गई महिला हेल्पलाइन नंबरों से संबंधित आवश्यक जानकारी भी दिया गया। वही अगली खबर औरैया से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शहवदिया से देर रात्रि ग्राम प्रधान रमाकांत दोहरे की गांव के पास तालाब के किनारे किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना ग्रामीण द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना का पूरा निरीक्षण किया गया। पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कितने लोगों को नामजद किया गया, क्या गिरफ्तारी हुई? जो तहरीर परिवार के स्तर पे दी गई थी उसमें 5 लोग नामजद और 2 अज्ञात हैं, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें नामजद में से 2 लोग की अरेस्टिंग हो गई है, जिनको अभी पूछताछ की जा रही है किस प्रकार से घटना कार्य हुई है, और इसके अलावा भी शक के आधार पर 5 लोगों को लाया गया और इंटरोगेट किया जा रहा है। सभी CDR और जो भी कॉल रिकॉर्डिंग इत्यादि प्राप्त हुए हैं। अगली खबर झांसी से है, जहां बीते 2 दिवस पहले थाना क्षेत्र में 2 युवक अमित फ्लोर मिल गए और वहीं पैसों से भरी गुल्लक को उठाकर फरार हो गए थे। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। इस घटना को थाना प्रभारी चिरगांव JP पाल ने चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए 2 दिन में ही घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 युवकों को माल मुद्रा सहित गिरफ्तार कर लिया। वहीं इनका तीसरा साथी फरार बताया जा रहा है, जिसकी जाँच में पुलिस जुट चुकी है। चिरगांव कस्बे में कल 25 तारीख को एक घटना हुई थी, जब दुकानदार किसी अन्य काम में व्यस्त थे, उसी दौरान 3 आरोपी आए और मोटरसाइकिल से उसका गुल्लक उस मोटरसाइकिल पर रख करके लेकर के भाग गए थे, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और CCTV में 3 अपराधी कैद हो गए थे। CCTV के आधार पर उनको चिन्हित कर लिया गया, उसमें एक अपराधी जो जिसका नाम विकास कुमार वर्मा है उसको पकड़ लिया गया है। वही अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से है, जहां जिले की पुलिस आजकल चर्चा में खूब दिख रही है। कहीं पर पुलिसकर्मी जूते चलाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर वर्दी में बैठे पुलिस के दरोगा शराब का जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के दरोगा का पुलिस वर्दी में जाम छलकाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ट्रैफिक पुलिस में तनाव दरोगा का बताया जा रहा है, जहां 4 महीने पहले इसी दरोगा को शराब के नशे में टल्ली होने के आरोप में निलंबित किया गया था। फिलहाल वायरल वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने हरदोई पुलिस को निशाने पर लिया है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी दरोगा को लेकर SP ने निलंबित करके मामले की जांच आदेश के लिए भेज दिया है। मामले में कार्रवाई की गई है। एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें KSI शैलेंद्र कुमार से ये आपत्तिजनक तरीके से एक रेस्टोरेंट में ढाबे में जो भी है वो दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये कल का ही था। इस संबंध में जांच कराई गई है। वही अगली खबर झांसी से है, जहां शासन के आदेशानुसार 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा जागरूकता पखवाड़े के क्रम में आज सदर बाजार झांसी स्थित सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सभागार में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही ट्रैफिक वार्डन प्रगति शर्मा के संयोजन में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया। वही मुख्य अतिथि के तौर पर दीपक सिंह द्वारा सभी छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई।
अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस ने पंकज हत्याकांड का खुलासा किया है। दरअसल दामाद ही ससुर का हत्यारा निकला है, साथी के साथ मिलकर अपने बेइज्जती का बदला लिया। पुलिस ने हत्या के खुलासे को देखते हुए तीन टीमें गठित की। पुलिस ने दो हत्यारोपी बाइक आलाकत बरामद किए हैं। वहीं 25 तारीख की रात्रि को सोते समय ये पूरा हत्या का मामला सामने आया है। सर क्या है पूरा मामला? परसों सुबह मंसूरपुर थाना क्षेत्र के दूधा एड़ी गांव में एक व्यक्ति को उसके घेर में सोते हुए उसकी हत्या कर दी गई थी। इस केस के खुलासे के लिए तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया था और आज इस घटना का अनावरण किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी खतौली और SHO मंसूरपुर के नेतृत्व में जो टीमों ने घटना को वर्कआउट किया है, इसमें जो मृतक है उसका दामाद और उसका साथी जो है वो इसके हत्यारे निकले हैं। और जब इनको हिरासत में लेके जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी जो जुर्म है उसको इकबाल किया है। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां विकास भवन पर महिला संगठनों की सैकड़ों महिलाओं ने विकास भवन के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संगठन से जुड़ी समूह की सखी महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन के साथ ही विकास भवन पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं के बीच पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार के आश्वासन के बाद ही प्रदर्शनकारी महिलाएं शांत हुई। और मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार का कहना है कि समूह सखी के रूप में कार्य कर रहे इन ग्रामीण महिलाओं की कुछ मांगे हैं जो प्रदेश स्तर और जनपद स्तर पर निलंबित की गई हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्रदर्शन का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह सखी के रूप में कार्यरत कुछ महिलाएं आज विकास भवन आई हैं। इन महिलाओं द्वारा ना तो पहले इस अपने कार्यक्रम की कोई सूचना दी गई, ना ही इनके द्वारा पूर्व में कोई मांग पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आज जैसे कि यहां पर इकट्ठा हुई हैं तो जो उपायुक्त NRLM ने जब इनसे बात की तो इनके द्वारा इन्होंने अपनी कतिपय मांगे मौखिक रूप से उनको बताई, जिसमें उनको जो दिया जाने वाला मानदेय है उसको बढ़ाने की मांग की। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा उसमें तमाम तरीके के अपना आई कार्ड उनको दिया जाए। वही अगली खबर झांसी से है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर जमकर हंगामा और मारपीट हुआ है। दरअसल एक मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने वार्ड बॉय पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आ गई। इसके बाद मेडिकल स्टाफ और गार्ड्स ने भी तमाम दारों को मारपीट कर वहां से भगाया, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया और दो लोगों को हिरासत में ले लिया। वही अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने आज हरदोई में 59 करोड़ रुपए की लागत के अलावा कुछ अन्य सड़कों के शिलान्यास भी किए। इस मौके पर आयोजित जनसभा में जितिन प्रसाद ने दावा किया कि उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बरसात में जो भी सड़क खराब हुए हैं उनका अभी से सर्वे करा लें और बरसात बंद होते ही सभी सड़कों की मरम्मत और निर्माण करना शुरू कर दें। क्या समझे? एक तो ये वर्मा जी ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ये जिसका आज सड़क का लोकार्पण हो रहा है, ये रजपुर वाली सड़क, ये और ये शिला पटे जब दिख रही हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये हम लोगों के विश्वास के पत्थर हैं जिसपे जनता की आंख टिकी हुई है। वही अगली खबर झांसी के मौरानीपुर से है, जहां पिछले 8 दिनों से अंधेरे में गुजर बसर कर रहे लोगों का सब्र का बांध टूट जाने से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। वही मौके पर पहुंची यातायात पुलिस ने समझाने के बाद जाम को खुलवाया। इसके साथ ही बिजली विभाग के कर्मचारियों ने विद्युत व्यवस्था को सुधारने का काम भी शुरू कर दिया है। क्या नाम है आपका? किस वजह को लेकर आपने जाम लगा दिया रोड? यहाँ मतलब 8 दिनों से लाइट की व्यवस्था बिल्कुल बेकार चल रही है, केबलें जल रही हैं, रात में केबलें जल रही हैं, लोगों को पानी की बहुत समस्या हो रही है, लाइट की भी समस्या हो रही है, बच्चों को भी बहुत परेशानी हो रही है, किसी भी प्रकार से कोई सक्षमत्कारी सामने आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वही अगली खबर महोबा से है, जहां इस्लाम की खातिर अपना सर कटाने वाले इमाम हुसैन को यूं तो सारी दुनिया में अपने अपने तरीके से याद किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के कस्बा चरखारी में
मुहर्रम की सातवीं को इमाम हुसैन की दुलदुल सवारी पाक घोड़ा पिछले 168 सालों से निकाला जा रहा है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इमाम की सवारी से सभी धर्मों के लोग खासा लगाव रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इमाम हुसैन का घोड़ा जिस श्रद्धालु का प्रसाद खा लेता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। ये हजरत इमाम हुसैन की सवारी, जिसको दुलदुल घोड़े की जो है जुलूस के रूप में जाना जाता है, चरखारी की बहु प्रतिष्ठित जुलूस जाना जाता है, हमारे जनपद में बहुत पूरा वर्ष भर यहाँ के लोग इंतज़ार करते हैं इस जुलूस का और यहाँ करके अपनी जो है मन्नतें वगैरह मांगते हैं। तो ये 1958 से लगातार ये जुलूस निकलता चला आ रहा है और इसमें चुप परंपरा है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आकर के ही इस घोड़े को जो है माला पहना करके इसका शुरुआत करवाते हैं। वही अगली खबर झांसी से है, जहां एक युवती ने पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंचकर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग की है। वही पीड़िता ने कहा कि पिछले 3 महीने से पुलिस पीड़िता को फुलवाल बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आरोपी उसकी इज्जत के बदले पैसे देने का दबाव भी बना रहे हैं। धीरे धीरे ज्यादा हो गया और मुझे बहला फुसला के वो शादी का झांसा दे करवा गए अहमदाबाद, और उनका भाई है मोहित राजपूत, तो वो कह रहे थे हम तुम्हारी शादी करा देंगे अपने भाई के साथ, लेकिन पहले कहते रहे फिर शादी नहीं करवाई, और अब कह रहे 20 लाख रुपया लग जाए हम शादी नहीं करवाएंगे और पैसे दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।